जीवन में सफलता पाने के लिए एक मूलभूत बात जो जरूरी है वो है अपने वचन का पालन, मतलब दिए हुए शब्द का पालन करना। होता क्या है कि हम हमारे धंधे में, व्यवसाय में, या कोई बड़ा बिजनेस होगा उसमें, या हमारे रिश्तों में हमारे दिए हुए शब्द का पालन नहीं करते। ऐसा बोला जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मतलब जो वचन दिया है, जो शब्द दिया उसका पालन करो। या मराठी में ऐसा उसको बोलते कि बोले तैसा चाले, त्याची वंदा भी पावले। जैसा बोला गया वैसा जो चलता है उसके आपने परिक्ष होना चाहिए, ऐसी कहावत है, ऐसे संत ने बोला हुआ है। क्योंकि हम हमारे शब्द का पालन करते नहीं है तो हमारी बात जो है ना वो सस्ती हो जाती है। कोई बड़ा यश सफलता मिलाने की आपकी इच्छा है तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है कि अपने वचन का पालन करना, वचन का मान सम्मान, शब्द का मान सम्मान करना, और वो जो समय पे हमने शब्द दिया है वो समय पे उसका पालन करना। मतलब जो भी आपने, मतलब कोई भी कुछ भी कंडीशन हो जाए, आपने जो शब्द दिया है जिसको और जो समय पे आपने शब्द दिया है वो शब्द का आपने पालन करना चाहिए। अब हो सकता है कि आप वो समय पे शब्द का पालन नहीं कर सकते हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जिसको शब्द दिया हुआ है उसको बोल सकते हैं, फोन कर सकते हैं, बातचीत करके बोल सकते हैं कि भाई मैंने आपको ये वचन दिया था, मैंने आपको ये शब्द दिया था, मैं इसका पालन नहीं कर सकता हूं, मैं अभी ये समय पे उसका पालन कर सकता हूं। तो उससे होता क्या है कि आपका एक विश्वास बन जाता है सामने वाले के मन में कि नहीं, ये व्यक्ति एक बार बोल दिया तो वो करेगा, और नहीं करेगा तो आपकी कम से कम बोलेगा कि मैं करने रहा हूं, मैं अभी ये समय पे करने वाला हूं। तो ये जो चीज है कि भाई जो शब्द दिया उसका पालन करो, वैसे ही लोग क्या करते हैं कि उसमें काटछाट कर देते, मतलब जैसा करना चाहिए वैसा नहीं करते, मतलब उसमें कुछ तो भी काटछाट करेंगे, कुछ तो भी सस्ते में निपटा लेंगे, जैसा काम करना चाहिए वैसा नहीं करेंगे। तो भी बहुत जरूरी है कि जो आपने बोला वो करो, और जैसा करना चाहिए वैसा वो काम करो। फिर अगला मुद्दा उसमें आता है कि आपको जैसा मालूम है, आपका जो ज्ञान है, वो ज्ञान जितना भी है वो ज्ञान का पूरा इस्तेमाल करके वो काम आपने करना चाहिए, और वो भी समय पे करना चाहिए। तो ये जब आप समय पे काम करते हैं तो आपका विश्वास बहुत है, मतलब जो विश्वास है वो बहुत बढ़ जाता है लोगों के मन में, और लोगों को मालूम है व्यक्ति बोला तो करेंगे। क्योंकि कोई भी धंधे में सबसे पहली बात ये देखना है कि आप ईमानदारी से धंधा कर रहे कि नहीं कर रहे, प्रामाणिकता से आप धंधा कर रहे कि नहीं कर रहे। आपने बोला चेक निकल गया, मतलब चेक निकल गया। आपने बोला कि मैं 6 बजे आऊंगा, मतलब 6 बजे आऊंगा। हम तो धंधे पानी के तो बात छोड़ो, हम हमारे घर में भी हमारे शब्द का पालन करते नहीं। हमारे पत्नी को बोलते कि शाम को 7 बजे मैं आऊंगा और आपको बाहर लेके जाऊंगा, आज आपको वहां पर खाना खाएंगे, और मेरे 7 के 8 बजते, 8 के 9 भी बज जाते हैं, और मैं घर में इन्फॉर्म भी नहीं करता, बोलता भी नहीं हूं कि मेरे को लेट हो रहा है, और फिर मैं आपको बोलता हाँ लेट हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। या फिर आपके बच्चों को आप बोलते कि मैं शाम को तुमको आइसक्रीम खाने ले जाऊंगा, या तुमको टॉफी लेके आऊंगा, और शाम को 7 बजे मैं आपको आऊंगा, मिलूंगा, आपको टॉफी दूंगा, या एक किताब लाके दूंगा, और आप शाम को उसकी बात भी नहीं करते। होता क्या है कि जब आप ऐसी, मतलब इस तरह का बर्ताव लोगों के साथ में करते हैं तो लोगों के मन में आपके प्रति पूरा विश्वास निकल जाता है, मन का विश्वास कि नहीं ये आदमी बोलता है मगर करता नहीं है। तो ये बहुत महत्व की बात है कि आप जो बोलते हो करो, ताकि आपका विश्वास बने रहेगा। जब देखो आप जब बोलते हैं और वो आप करते नहीं, मतलब आप आपके शब्दों को मान सम्मान देते नहीं, तो जब आप आपके शब्दों को मान सम्मान देते नहीं है तो आपके बच्चे ने आपके शब्दों को मान सम्मान क्यों देना चाहिए। फिर हम बोलते कि देखो मेरा बच्चा मेरा मानता नहीं, मेरी पत्नी भी मानती नहीं है, क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि आप आपके शब्दों को मान सम्मान देते नहीं है, वो क्यों देंगे। तो यदि ऐसा आपको चाहिए कि नहीं लोगों ने मेरा सुनना चाहिए, लोगों ने मेरे शब्दों को मान सम्मान देना चाहिए, तो सबसे पहले आपने ये देखना चाहिए कि मैं मेरे शब्दों को मान सम्मान दे रहा कि नहीं दे रहा।
क्योंकि लोगों का विश्वास आपके ऊपर होता है। अभी आज पिछले 34 साल से मैं अलग अलग जगह पे पूरे महाराष्ट्र में प्रोग्राम करने गया हूँ और एक भी ऐसा कहीं ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, कोई ऐसी घटना नहीं कि मैं वहां टाइम पे नहीं पहुंचा। कुछ भी हो जाए, अनेक बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए, बहुत सारी ऐसी कठिनाई आ गई कि मैं मतलब वहां पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, ऐसा मुझे मतलब दिमाग में ऐसा सवाल था। मगर मैं तो वहां पहुंची और हर कार्यक्रम मेरा 7 बजे मतलब 7 बजे शुरू हुआ। लोगों का ऐसा नहीं है, लोगों के लिए 7 मतलब 7 नहीं है, लोगों के लिए 7 मतलब 8 है। लोगों को मंगलवार मतलब मंगलवार नहीं है, उनका मंगलवार मतलब बुधवार और गुरुवार कुछ भी हो सकता है। और 20 तारीख को चेक पहुंचेगा हम लोग, उनके मन में 20 तारीख मतलब 20 तारीख नहीं, उनके मन में 20 मतलब 21, 22 और कोई भी है। तो ये सबसे बेसिक चीज है, मूलभूत चीज जो है वो ये है कि आप जो बोलते हो वो करो और जो समय पे बोला उस समय पे आपने करना है। जैसे आपने जो समय पे बोला मैं पहुंचूंगा उस समय पे पहुंचना चाहिए, और जो काम की शुरुआत आपने की है वो आपने काम खत्म करना चाहिए। तो ये हो गया अपने वचन का पालन करना, जो शब्द दिया वो शब्द का पालन करना, ये मूल होते हैं कोई भी सक्सेस सफलता मिलाने के लिए। फिर दूसरा होता है कि भाई आप सफलता के लिए आपके बिजनेस में या कोई भी रिश्ते में एक एक्स्ट्रा माइल आपने जाना चाहिए। मराठी में बोलते हैं उसको शीर डालना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी हमारी अपेक्षा है, जो भी लोगों की अपेक्षा हमारे से है, उससे थोड़ा ज्यादा देने का। मतलब हमारे यहाँ दूध वाले पहले जमाने में आते थे, तो दूध वाला जब वो 1 लीटर का दूध देता है वो नाप से, तो 1 लीटर दूध देने के बाद में थोड़ा सा दूध और डालता है, उसको बोलते शीख। और वो हमको वो थोड़ा जो डालता है ऊपर का उसमें हमको मजा आता है कि नहीं वो ज्यादा दिया, उसने जो ठहरा था उससे ज्यादा दिया। तो आपको फिर सफलता पानी है तो जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी आपको करने का है किसके साथ में, जितना भी अपेक्षा है, जो सामने वाला आपसे अपेक्षा कर रहा है उससे आपको ज्यादा देने का है हर दफ। मैं एक बार अकोला से पुणे जा रहा था तो लग्जरी बस में जैसा मैं बैठा, मे महीने का समय था, महीना था मे महीना, और रात के 9 बजे बस में जाने के बावजूद भी एसी बराबर काम नहीं कर रहा था, इतना पसीना आ गया था। बस 9 बजे रात को शुरू मतलब होने वाली थी, स्टार्ट करने वाले थे बस को, पसीना तर हो चुका था मेरा। और उतने में वो जो ट्रेवल एजेंट था उसका एक लड़का हमारे सब लोगों के हाथ में ठंडे पानी की बॉटल लेके निकल गया, मतलब इसके पैसे पूरे नहीं, इसके पैसे नहीं, हमारे तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है। अरे वो ठंडे पानी की बॉटल उसको 7-8 रुपए में मिली होंगी, वो जो 400 रुपए का टिकट है उसमें उसको कम से कम 100 रुपए मिले होंगे वो एजेंट को। अब 100 रुपए में से उसने 7-8 रुपए खर्चे तो क्या फर्क पड़ रहा है, ये अपेक्षा नहीं थी हमारी, मगर उसने शीख डाल दी कि वो टिकट जो उसने हमको 400 रुपए का दिया उसके साथ साथ उसने वो एक फ्री बॉटल ले लिया, वो बॉटल मिली करके हमको बहुत अच्छा लगा। दूसरी बार जब मेरे को पुणे जाना था तो मैंने बोला वो एजेंट जो है इसने मेरे को पिछले बार बॉटल फ्री में दिया ठंडे पानी की, जब इतना पसीना है, इतनी गर्मी हो रही है, ठंडा पानी मतलब अमृत लगा मुझे तो, मतलब वो एजेंट के पास में हम जाके टिकट लेंगे फिर से, मतलब इस तरह का उसका फायदा होता रहता है। फिर और एक जो महत्व का जो मुद्दा है सक्सेस के लिए, सफलता के लिए, वो ये है कि भाई हम हार्डवर्क जो है उसको नटते हैं, हार्डवर्क गंदा नहीं, एक्चुअली हार्डवर्क जो है उसे सक्सेस मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हार्डवर्क से मिलता नहीं मिलता है करके, उसके साथ स्मार्ट वर्क करना भी जरूरी है, और हार्डवर्क करे तो सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगा, पक्का ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि हार्डवर्क करने के बाद में सक्सेस नहीं मिला, मतलब ये देखना चाहिए मगर हार्डवर्क करने के समय कि क्या मैं सही डायरेक्शन से हार्डवर्क कर रहा हूं। मुझे अकोला से मुंबई जाने का है, अकोला से बॉम्बे, तो मुझे ये देखना है बीच बीच में कि क्या मैं सही डायरेक्शन है या मैं उल्टे डायरेक्शन में जा रहा हूं, मतलब हार्डवर्क कर रहा हूं डायरेक्शन उल्टी है। तो हार्डवर्क जो है वो करना बहुत जरूरी है, और हार्डवर्क सक्सेस मिलता है, और हार्डवर्क सही डायरेक्शन में, और हार्डवर्क इस तरह से करना है कि आप एक्स अमाउंट ऑफ टाइम और आप एफर्ट डाल रहे और आपको एक्स नहीं 2x 3x का उतना वहां से आपको रिजल्ट मिलेगा। एक मैं एग्जाम्पल हर दम देते रहता हूं बड़े का, कि भाई बड़ा कैसे बनता है, मैं एकदम पूछता हूं कितने लोगों को बड़ा बनने का है, तो हमारे वर्कशॉप में सब लोग हाथ ऊपर करते हैं कि हाँ हमको बड़ा बनने का है, हमको बड़ा बनने का है। मतलब बड़ा बनने का है, बोले हाँ बड़ा बनने का है। मैं देखो आज मैं सवेरे होटल में गया था, वहां मैंने नाश्ता किया,
नाश्ते के लिए मैंने दो आलू बड़े बुलाए, उस पर तरी मार के उसने बड़ा ला के दिए। जब मैंने पहला निवाला लिया मुझे बहुत ही टेस्टी लगा, मैंने बोला क्या टेस्टी है बड़ा। तो बड़े से आवाज आए, वो जो है ना बड़ा वहां से आवाज आई, मैंने बोला कौन बात कर रहा है, बोले मैं बड़ा बात कर रहा हूँ, क्या भाई, बोले आप बोले इतना बता रहे बहुत टेस्टी है करके, बहुत ही स्वाद है उसको, आपको मालूम है कि मैंने कितने डोले लिए। बोले क्या हुआ क्या, बोले आज सवेरे मैं आलू बंद के बाजार में था, ये होटल के मालिक ने मुझे आलू बंद आलू करके खरीद के लाया, पानी में इतना उबाला मुझे इतनी तकलीफ हुई, बोले हमको मालूम है। फिर बोले हमको पानी में से निकाला, मेरी चमड़ी पूरी निकाल डाली, इतनी अंगार हो गई, इतना खून आया, बोले हमको मालूम है। फिर बोले उसने चक्कू लिया और सब हमारे भाइयों के टुकड़े 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 कर दिए, बोले इतना खून गया, बोले इतनी तकलीफ हुई, हमको मालूम है। फिर बोले उसने नमक उसमें उसके ऊपर छिड़का, फिर मसाला छिड़का, मिर्च छिड़की, इतना अंगार हुई, बोले हमको मालूम है, बोले तकलीफ कितनी हुई। फिर बोले हमारे गोले बनाए भाइयों के और ठंडे ठंडे बेसन में डाला, तो लगा चलो मुसीबतें खत्म हो गई। कायका बोले बेसन लपेटा, बोले और फिर गर्म तेल में हमको डाला, ऐसी अंगार हुई, बोले हमको पता है, बोले लाल हो गया। फिर तेल में से जब निकाला थोड़ी हवा लग गई, तो लगा चलो मुसीबतें खत्म हो गई। काय की मुसीबतें खत्म हुई, जब आपने ऑर्डर दिया कि बड़ा था तो हमारे दो भाइयों को उठाया उसके ऊपर तरी मारा, इतनी अंगार हुई, बोले हमको मारा। तो बड़ा जब हम बने तो हमने इतने टोले लिए सवेरे से, हमको मालूम। तो किसी को बड़ा बनने का है तो बहुत सारे टोले लेना पड़ता है, बहुत सारे हार्डवर्क करना पड़ता है, तो बड़ा बनता है। तो एक बार ओलंपिक में एक जो गोल्ड मेडलिस्ट था 100 मीटर के स्पीड से दौड़ने वाला, 100 मीटर के रेस में हिस्सा लेने वाला, उसको पूछा कि भाई आपने गोल्ड मेडल ओलंपिक में लिया 100 मीटर के रेस में, तो आप तो बहुत लकी हो क्योंकि आपका जो फर्स्ट और सेकंड नंबर जो है, तो सेकंड नंबर जो आया जिसको सिल्वर मेडल मिला, तो उसके और आपके बीच में कोई 0.02 सेकंड का ही फर्क है, आप तो बहुत लकी हो। बोले आपको क्या लगता है ऐसा बोलने के लिए कि मैं लकी हूं, मैंने ये 100 मीटर की जो रेस है वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलाने के लिए, ये जो मैंने कुछ 9.2 सेकंड में मैंने पूरी किया, तो 9 सेकंड में पूरी करने के लिए पिछले 9 साल से रोज 9 घंटे दौड़ रहा हूं, तो मुझे कहां ये गोल्ड मेडल मिला। तो इतना सारा बहुत सारा वहां डालना पड़ता है, इनपुट डालना पड़ता है, तब कभी सफलता मिलती है। तो ये सफलता के कुछ सूत्र मैंने आपने बताया, और भी ऐसे वीडियो में आपको कुछ सुनने मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, मेरे वीडियो है यूट्यूब पे, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और फेसबुक पेज भी आपको मतलब आपको लाइक कर सकते हैं, उसमें भी आपको काफी सारी जानकारी मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच, बाय।